तांबे के तारों से भरे ट्रक को वैगनआर कार सवार बदमाशों ने ट्रक को रोककर पिता पुत्र चालक से जमकर की मारपीट। तारों से भरे ट्रक को लूटकर हुए फरार पुत्र ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। पिता ने कंट्रोल रूम को दी सूचना। ट्रक लूट की सूचना पर पुलिस और अधिकारियों में मचा हड़कंप। पुलिस ने की नाकाबंदी। पुलिस की सक्रियता और नाकेबंदी को देखते हुए पकड़े जाने के डर से बदमाश ट्रक छोड़कर फरार हो गए। पिनाहट और बाह सर्किल के फोर्स के साथ एसपी पूर्वी ने क्षेत्राधिकारी पिनाहट एवं क्षेत्राधिकारी बाह सहित पुलिस की मदद से कुछ ही घंटों में लूटे गए ट्रक को पिनाहट क्षेत्र से बरामद कर लिया है। क्या नाम है आपका? मुन्ना राम। कहाँ के निवासी हैं? महुआ सांगला। क्या मामला है आपका? मेरे आगे वैगनआर एक गाड़ी थी दिल्ली नंबर की, उसको नंबर पूरा मैंने देख नहीं पाया और वहाँ गाड़ी मेरे आगे लगा के वो गाड़ी चली गई। दो आदमी उतार गए और उतर के एक लंबा सा आदमी था, उसने गाड़ी की चाबी निकाली और हमसे बोला नीचे उतर जा। मैंने क्या बात है, तो एक आदमी डंडा उठाया मेरे लड़के को मारने लगा। फिर मैं उतरा, उससे हाथापाई कर रहा, भाई तू मार क्यों रहा है, बाहर से बता। तब तक दूसरा आदमी गाड़ी में चढ़ा, स्टार्ट करके चल दिया और हम रह के खड़े। फिर मोटरसाइकिल आई गांव यहाँ रोड पर चलने वाली, उस पर बैठ के पुलिस चौकी। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस तुरंत ही हमारी कार्रवाई में लग गई। अच्छा, तो ये जो ट्रक पुलिस ने पकड़ा है किस जगह से पकड़ा है? ये साहब पिनाहट रोड पर है उस साइड में। अच्छा, जो लेके भागे थे क्या वो भी पकड़े गए हैं? नहीं नहीं, अभी वो नहीं पकड़े गए। तो इस ट्रक में क्या माल लदा हुआ? तार बंडल। अच्छा, ये कहाँ जा रहा था? अहमदाबाद। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भाथाना क्षेत्र के आगरवाह मार्ग पर गांव चौनसिंगी की है पूरी घटना। इसमें कल दिनांक 7-8-19 को एक ट्रक हमीरपुर से अहमदाबाद जाने के लिए जो उसमें कुछ लोहे के तार वगैरह जो है लोड करके चला था। चालक खेड़ा राठौर के थाना के अंतर्गत जो है महुआशाला गाँव का रहने वाला था। रात में नाइक स्टे किया और कल दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास देख के जो है अहमदाबाद के निकला। थाना पार से करीब 6-7 किलोमीटर आगे जो है, जैसा उसका कहना था कि एक वैगनआर में 3 व्यक्ति आए और उसको जो है ट्रक को रुकवाया और रुकवाने के बाद उससे 40 सूंघे और लेकर चले गए। इस पर सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभी पंजीकरण करते हुए जो ट्रक गया था उसके लिए कई टीमें लगाई गई और इस प्रयास में घेराबंदी करके ट्रक को बरामद कर लिया गया है और इसके लिए अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूरे माल के साथ जो है ट्रक को बरामद कर लिया गया है और अभियोग की तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं, उसकी कार्रवाई की जा रही है। बहा उत्तर प्रदेश से टाइम सिटी न्यूज के लिए सतीश रावत के साथ लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।